हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेहा की पाकशाला में। आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे और मैंने इस रेसिपी में सफ़ेद और काले दोनों तरीके के तिल का इस्तेमाल किया है और आज आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम दोनों तरीके के तिल का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और हर किसी को इसे ज़रूर खाना चाहिए। तिल हाइपरटेंशन को दूर करता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमें बचाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एनीमिया की शिकायत दूर करने में सहायक है। मोस्टली तिल को सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है और सर्दियों में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। लेकिन तिल इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि अगर आप तिल को रोज़ाना खाएँ तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए हम अपने तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में 1.5 कप सफ़ेद तिल डालेंगे। जितना हमने सफ़ेद तिल लिया है उतना ही हम काला तिल भी लेंगे, तो हम कढ़ाई में साथ ही में काला तिल डाल देंगे 1.5 कप। अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल जब भुनने लगता है तो ये चटकना शुरू हो जाता है। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के आप बीच बीच में इसे चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लें। 5 से 6 मिनट में हमारे तिल ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। आप आवाज़ सुन सकते हैं, हमारा तिल चटकना शुरू हो गया है। आप तिल को भूनते टाइम ये ध्यान रखें कि जब तिल चटकना शुरू हो जाए तो आप उसे लगातार चलाते हुए भूनें, जिससे कि वो जले नहीं। हमारा तिल ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तिल ड्राई रोस्ट करने के बाद हम ये नारियल का बुरादा पैन में डालेंगे और इसे भी ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 कप नारियल का बुरादा लिया है। गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसे चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारा नारियल का बुरादा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 कप काजू और बादाम को मिक्स करके लिया है और 1 कप मूंगफली ली है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली डालेंगे और ये काजू बादाम डालेंगे। दोनों को एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। हमारी मूंगफली और काजू बादाम पीस करके तैयार है। अब हम इनको एक साइड पर रख देंगे। हमने जो तिल ड्राई रोस्ट किए थे वो भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम तिल को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। हमें तिल को थोड़ा दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। हमने तिल को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने इसे दरदरा ग्राइंड किया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें तिल भी नज़र आ रहा है, एकदम बारीक पाउडर नहीं है ये। इसी तरीके से आप अपना तिल पीस करके तैयार कर लें। लड्डू बनाने के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें बोल में डालेंगे। तो हम सबसे पहले ये पिसे हुए तिल डालेंगे। मूंगफली और काजू बादाम जो पीस के रखा है उसे भी डाल देंगे। नारियल का बुरादा जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था। मैंने गुड़ को ग्राइंड करके यहाँ पे लिया है और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कोई भी गुठले इसमें ना रहे और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं।
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें आधा कप घी डालेंगे। वापस से हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। घी भी हमारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस मिक्सचर से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हम हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से दबाते हुए इसको गोल शेप देंगे। देखिए, हमारा एक लड्डू बनकर के तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है और इसके लिए कोई भी अलग से गार्निशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे एक बोल में रख देंगे। वापस से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे जैसे हमने पहले लिया था और दोनों हाथों से दबाते हुए एक मीडियम साइज़ का लड्डू बनाकर हम तैयार करेंगे। दोनों हाथों से आप इसे इस तरीके से दबाएंगे तो बहुत अच्छा शेप मिलेगा लड्डू का और लड्डू आसानी से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए, हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर के तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद और काला तिल दोनों अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। अब हम इसे भी एक बोल में रख देंगे। हमारे तिल के लड्डू बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। आप इन्हें आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि तिल गर्म होता है इसलिए गर्मियों में आप इन्हें दूध के साथ खाएं। ये गर्म नहीं करेगा और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।